लोकसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामला 2016 जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सभी पर अब पीसी एक्ट के तहत जांच हो सकती है। न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की कोर्ट ने पीसी एक्ट मामले की सुनवाई के लिए विजिलेंस कोर्ट को रेफर कर दिया है। केस आईओ ने पीसी एक्ट जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। सरकार का पक्ष रख रहे सहायक लोक अभियोजक के बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। तो अब देखिए विजिलेंस कोर्ट को अब ये रेफर कर दिया गया है मामला, राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामला। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी दीपक, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अब मुश्किलें वाकई बढ़ सकती हैं क्योंकि अब विजिलेंस कोर्ट में तो मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में केस आईओ द्वारा जो आवेदन कोर्ट सिविल कोर्ट को दिया गया था और उसमें पीसी एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर यह आवेदन दिया गया था, जिस पर पूर्व में भी सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामला को सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले के बिंदु पर सुनवाई होनी थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन फैसला आज नहीं आ सका क्योंकि न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की कोर्ट ने इस मामले को विजिलेंस कोर्ट में रेफर कर दिया है। तो अब इस मामले में पीसी एक्ट की धारा जुड़ेगी या नहीं यह तय करेगा विजिलेंस कोर्ट। आपको बता दें कि यह मामला 2016 का है और एक हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता से यह मामला जुड़ा हुआ है। 2016 में दो सीटों के लिए राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे जी। दो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से थे और एक जेएमएम का था। दो सीट के लिए तीन प्रत्याशी थे और दो ही सीट पर जीत होना था, लेकिन दो तीन प्रत्याशी थे और इसमें बीजेपी के तरफ से एक प्रत्याशी और जेएमएम के एक प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के दोनों सीट बीजेपी जीत लिया और इसके बाद इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी, बयानों के तीर चल रहे थे। उसके बाद इस मामले में 2018 में जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज हुआ और तत्कालीन बड़का गांव के विधायक निर्मला देवी ने इस मामले में जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज कराया था और उन्होंने ये कहा, तब रिक्वेस्ट किया था थाना जांच के लिए कि इस मामले में अनुसंधान की जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में थाना में जो एप्लीकेशन दिया था आवेदन, उसमें कहा गया था कि उन्हें और उनके पति को बीजेपी प्रत्याशी वोट देने के लिए तत्कालीन सरकार के मुखिया और उनके सलाहकार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता दबाव बना रहे थे, पैसा का प्रलोभन दे रहे थे और इसको लेकर के जो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी जो पत्नी जो विधायक थी उस समय निर्मला देवी, उनसे ऑडियो और वीडियो में जो बातचीत हुई है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता की, इसका एक वीडियो और ऑडियो का जो सीडी है वो तो उस पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर जारी किया था और उसके बाद झारखंड निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर और मिल करके इस मामले की अनुसंधान करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा गया था कि इस मामले में अनुसंधान की जाए, लेकिन अनुसंधान नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी कर केंद्र सरकार को आदेश, राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस मामले में किसी एक्ट के तहत अनुसंधान की जाए। उस पत्र को भी दबा दिया गया और बाद में जब राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इन्होंने इस मामले में स्वीकृति दी कि पीसी एक्ट के तहत जो भी आरोपी बनाए गए हैं उस पर जांच हो और कार्रवाई हो, जिसके बाद जगन्नाथपुर थाना के केस आईओ ने इस मामले में पीसी एक्ट जोड़ने के लिए रांची सिविल कोर्ट में एक आवेदन दिया था, जिस पर बहस होने के बाद कोर्ट ने मामला को सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले के बिंदु पर सुनवाई होनी थी लेकिन विजिलेंस कोर्ट को रेफर कर दिया गया। बिल्कुल, अब ये मामला विजिलेंस कोर्ट में चला गया है और अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा दीपक कि विजिलेंस कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, क्या पीसी एक्ट इसमें जोड़ा जाएगा और अगर पीसी एक्ट जुड़ता है तो फिर पूर्व सीएम समेत कुछ और लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।